इधर लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में जबलपुर के बरगी विधानसभा की नर्मदा किनारे स्थित दद्दा गांव घाट में कांग्रेस ने संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। संवाद कार्यक्रम में ब्लॉक मंडलम सेक्टर सहित बूथ कमेटी के प्रभारी शामिल हुए, जिसमें प्रदेश के पूर्व कांग्रेस मंत्री और जबलपुर लोकसभा प्रभारी सुखदेव पांसे ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और सभी को जीत का मंत्र दिया। साथ ही चुनाव के दौरान होने वाली परेशानियों से अवगत कराते हुए भाजपा को कर देने के लिए भी रणनीति बनाई गई। हमारे जबलपुर लोकसभा के समन्वयक सुखदेव पांसे जी का आगमन हुआ और प्रत्येक विधानसभा भाई हम सम्मेलन कर रहे और ये बरगी विधानसभा का अत्यंत महत्वपूर्ण और सबसे जोरदार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का संवाद था कि हमें आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति के तहत चुनाव लड़ना है। देखिए, हमारी ये कांग्रेस पार्टी की एक सतत प्रक्रिया है। विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश अनुसार हम हर विधानसभा में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं, उनकी रायशुमारी कर रहे हैं। हमारी जो गलतियां विधानसभा में हुई हैं उनको हम सुन रहे, समझ रहे।